For more gossips, news and videos, download the Nehre app now. So, first of all, welcome to Nehre. Thank you. And congratulations, because itni jaldi 6 million ke upar chala gaya aapka gaana. 6.5. Yeah. Thank you. जी. तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है, और जब ये गाना रिकॉर्ड कर रही थी तब लगा था ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, मालूम था कि बहुत जल्द 10 मिलियन क्रॉस करेगा. तो दर्शकों, प्लीज़ 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 10 मिलियन पार करवा दो. हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई फिल्म मेकर हमें साइन करेगा या करेगी, या कोई ना कोई हमें इंटरेस्ट लेकर हमारी किस्मत को लिफ्ट करेगा. लेकिन फिर समझ में आया कि जो भी करना होता है ख़ुद से करना होता है. एंड ये समझने के बाद मैंने ये फ़ैसला लिया कि क्यों ना मैं प्रोड्यूसर बनकर अपने प्रोजेक्ट्स खुद प्रोड्यूस करूं. यहाँ वहाँ जाकर भीख मांगने से अच्छा ये है कि अपनी किस्मत मैं अपने हाथ में लेकर अपनी रियलिटी खुद शेप क्यों ना करूं. तो जब ये सोच मेरी मजबूत हुई, एकदम पक्की हुई, मैंने विकी हार्दिक को अप्रोच किया और कहा कि आपके बारे में सुना है, आपका गाना रेस 3 में हिट हुआ है, तो मैं आपके साथ जुड़कर धमाकेदार सिंगल्स बैक टू बैक करना चाहूँगी इस साल 2019. एंड हमने सबसे पहले टुनू टुनू पर काम शुरू किया. एंड इन्होंने बातों बातों में एक गाना सुनाया, कहा कि ये कैसा लगता है आपको, और सुनकर ओ माय गॉड, पैर थिरकने लगे एंड दिल बल्ले बल्ले करने लगा. और मैंने कहा कि दिस इज़ इट, यही वो गाना है जिसकी मुझे तलाश थी. एंड थैंक यू सो मच जो ये गाना आपने मुझको दिया. थैंक यू. ये सॉन्ग एक्चुअली आपके लिए ही था. हां जी, थैंक यू. इसलिए आपके पास है और था भी पहले. थैंक यू. अच्छा, इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपोजर्स हैं जी, व्हाई विकी एंड हार्दिक. मेरे एक बहुत अजीज फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मैं इनके स्टूडियो पर जाकर इनका काम देखूं, इनसे मिलूं, और कहा कि ये बहुत ही पॉजिटिव सोल्स हैं, रब के बंदे हैं, और मुझे ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ना था जो लोग मुझे फैमिली की तरह एक्सेप्ट करके मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं. वैसे लोगों की तलाश थी, और जब इनसे मिली तो ऐसा लगा कि ये सच में मेरी फैमिली है. वैसा आपका जो सोच थी वैसे ही हो गया. बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली. शर्लिन एज अ प्रोड्यूसर कैसी है, लाइक कि उनको बहुत ज्यादा चूजिंग है, या फिर बोलती है यार मुझे ये एलिमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए? शर्लिन तो हमारे लिए प्रोड्यूसर तो है ही नहीं एक्चुअली, पहले तो बेसिकली फैमिली है जैसे आप उन्होंने बोला. तो ऐसा कोई प्रोड्यूसर वाला टेंट्रम नहीं था उनमें कि हाँ मुझे ऐसा ही चाहिए वैसे ही चाहिए. हालांकि वो चूजी है अपने काम को लेकर, बट हमारे लिए तो ऐसा कभी नहीं हुआ है. है ना विकी? या ये एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, ये बहुत स्वीट है, दिल की बहुत साफ है, और प्रोड्यूसर वाली जो आप बात कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मोस्टली हमारे बीच में क्रिएटिव डिस्कशंस होते हैं, ब्रेनस्टॉर्म सेशंस. तो ऐसा नहीं है कि मैं बॉस हूँ, आप लोग मेरी सुनना, मैं आपकी नहीं सुनूंगी. बिल्कुल नहीं, एज अ टीम हम काम करते हैं. कभी ये मुझको टोकते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सजेशन कुछ खास नहीं है, कभी ये बोलते हैं कि हाँ वाई नॉट दिस, लेट्स ट्राई इट, यू नो. तो एक दूसरे के सजेशंस हम एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, कभी ये हमको कन्विंस करते हैं, कभी हम इन्हें कन्विंस करते हैं. तो इस तरह एक टीम बनकर हम डिसीजंस लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है. आप देख सकते हैं हमारे म्यूजिक वीडियो में, मुझे लगता है कि ये नॉन फिल्म सॉन्ग किसी भी फिल्म सॉन्ग को ज़ोरदार टक्कर दे सकता है. उस काबिल हमने इसे बनाया है, इसकी प्रोडक्शन वैल्यूज़ एंड म्यूज़िकली अगर देखा जाए हर डिपार्टमेंट में ये टॉप लेवल पर है. हाई कंटेंट है, हाई क्वालिटी है. तो बनाते वक्त हमने ये नहीं सोचा कि चलो एक म्यूज़िक वीडियो है तो इसे वैसे ही ट्रीट करेंगे. बिल्कुल नहीं, हमने इसे किसी फिल्म सॉन्ग से कम नहीं समझा. राइट. बिहाइंड द सीन कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि गाने में बहुत अच्छे डांस मूव्स है, और आपको लोगों ने आई थिंक देखा है पहले जी, इस अंदाज में नहीं. yes. जी, huge thanks to my team of choreographers,
रोहन रोकाडे, प्रियंका रोकाडे एंड माय डायरेक्टर रोहन रोकाडे एंड विवेक शर्मा एंड माय एडिटर, जिन्होंने ज़बरदस्त एडिटिंग की है, वीडियो को बहुत ही क्रिस्प एंड टाइट बनाया है, तो इन सब का योगदान रहा है. एंड बहुत बहुत मज़ा आया इन सारे टीम मेंबर्स के साथ जुड़कर, इनके साथ अपने आइडियाज़ डिस्कस करके, ये बताकर कि चलो कुछ बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं, स्पेशल करते हैं, एक्सेलेंट बनाते हैं. एंड सब ने अपने अपने इनपुट्स दिए कि हाउ अबाउट यूजिंग दीज कलर्स या दीज एलिमेंट्स या दीज प्रॉप्स, सबके इनपुट्स रहे हैं. एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माई एंटायर टीम फॉर अंडरस्टैंडिंग माई विजन एज अ प्रोड्यूसर. सबसे मैंने कहा था कि देखिए, आप ये मानकर चलो कि हम एक ऐतिहासिक सॉन्ग करना चाह रहे हैं, बनाने वाले हैं, और उससे कम मुझे नहीं चाहिए. चाहिए तो 100 चाहिए, सेंचुरी चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए. तो ये मैंने अपनी टीम से कहा एंड उन्होंने डिलीवर किया. एंड थैंक्स टू द टू ऑफ यू, या फॉर द अमेजिंग ऑडियो. क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर ऑडियो 10/10 ना हो तो फिर आप वीडियो पर करोड़ों रुपए क्यों ना खर्च करो, वो वीडियो धमाल नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर ऑडियो आपका 10/10 है, सुपर हिट है, एक्सेलेंट है, वाव है, तो फिर आप एक सिंपल सा भी वीडियो बनाओगे, सुपर हिट होगा. सो इट इज़ द ऑडियो दैट मेक्स अ वीडियो.